स्वागत है आपका मॉर्निंग स्पेशल में। और खबर देश की राजधानी दिल्ली से, जहां बदमाशों ने एक महिला पर हमला किया, उसे गर्दन से दबोचा चेन खींचने के लिए, लेकिन महिला ने जबरदस्त हिम्मत दिखाई और उसकी हिम्मत के आगे इन बदमाशों को भी मौका छोड़कर भागना पड़ा। दिल्ली में सरेराह महिला के साथ चेन स्नैचिंग, सिर्फ 8 सेकंड में 3 बदमाशों ने महिला के गले से चेन छीन ली। महिला ने हिम्मत दिखाते हुए एक बदमाश को जोर से लात भी मारी, मगर तीनों लुटेरे चेन स्नैचिंग करके फरार हो गए। देश की राजधानी में बदमाश किस कदर बेखौफ हैं, ये वीडियो देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा। पूर्वी दिल्ली के पांडा नगर इलाके में 2 अगस्त की रात को ये वारदात हुई। दफ्तर से लौट रही 30 साल की महिला पर 3 बदमाशों ने हमला बोल दिया। महिला अपने घर से थोड़ी ही दूर थी कि उसी वक्त 3 बदमाशों ने पीछे से हमला कर दिया। सबसे पहले एक लुटेरा आया और महिला की गर्दन पकड़कर उसे काबू करने की कोशिश करने लगा। इसी दौरान 2 बदमाश और आए, उन्होंने भी महिला के गले से चेन खींचने की कोशिश की, मगर महिला ने हिम्मत दिखाई और सामने खड़े बदमाश पर लात से हमला कर दिया। महिला का हौसला देखकर 2 बदमाश भाग गए, लेकिन तीसरे लुटेरे ने किसी तरह महिला को गिराकर उसके गले से चेन खींच ली। तीनों बदमाश बाईं तरफ वाली गली में भाग गए, लेकिन महिला के शोर मचाने की वजह से तीनों वापस आए और फिर सामने वाली गली में भाग गए। हालांकि बदमाशों को उनकी करतूत की सजा मिल गई। महिला का शोर सुनकर लोग बाहर निकल आए और लुटेरों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। लेडीज थी और लेडीज का चैन तोड़ के भाग रहे थे, मगर पता नहीं चैन टूटी नहीं टूटी, मगर वो बदमाश पकड़े गए थे। आप लोगों ने पकड़ लिया था? पकड़ लिया था। तो 2-4 लड़के हमारे थे वहाँ पे खड़े, वो भाग रहे थे, इसलिए उन्होंने पकड़ा। उन्हें नहीं पता था कि चैन कैसे हो रही है, क्या हो रहा है। इस वारदात में महिला ने पूरी हिम्मत के साथ बदमाशों का मुकाबला किया, लेकिन अफसोस कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस मुस्तैद नहीं दिखती। अगर ऐसा होता तो बदमाश सरेराह चेन स्नैचिंग की हिम्मत नहीं करते। दीपक डालमिया, दिल्ली आज तक। We'll be right back.